हाँ दोस्तों, हम अब इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी की लिख लेते हैं, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, सम फिजिकल क्वांटिटी, सम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले फिजिकल क्वांटिटी लिख ली है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल एल से। जैसे दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हम क्या मानेंगे, जैसे दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हमारी हुई तो भाई मास, क्या हो गई मास, तो मास को, मास को हमने लिख दिया किससे, कैपिटल एल से। या जब वो इसमें एल है तो उसको एल की पावर वन भी बोल सकते हैं, एल की पावर वन भी बोल सकते हैं। ऐसे ही तीसरी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है, मान लो क्या हुई, टाइम, तो टाइम को हम कैपिटल टी से डिनोट कर दिया। ऐसे ही चौथी हम फिजिकल क्वांटिटी जैसे मान लीजिए हमारा टेम्परेचर होगा, ठीक है, टेम्परेचर, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से, इसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा। पाँच वर्ष से मान लो और हमारे पास और क्या हो सकती है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट हो गया, जैसे इलेक्ट्रिक करंट हो गया, तो इलेक्ट्रिक करंट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की इंजीनियर होती है एम्पियर होती है, उसको कैसे रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे सिक्स हमारे पास हो गया डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हमने किसी से रिप्रेजेंट कर देंगे, जो भी तरह की लेंथ है। सातवां हमारे पास कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या है, तरीके की डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम इसी से अब फॉर्मूला निकालना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको एरिया, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपके आ गया एरिया, तो हमें एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला जैसे निकालना होगा, ठीक है। तो कैसे होगा, एरिया का फॉर्मूला, जैसे कि मान लीजिए एरिया का आपको फॉर्मूला आया तो बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। एरिया कितना होता है, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है एरिया का फॉर्मूला, हाँ यही होता है। देखो लेंथ भी हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ को भी हम किस चीज़ करते हैं, लेंथ से, यानी लंबाई से। ब्रेथ भी मेजर करते हैं वो भी लंबाई से, लेंथ यानी लेंथ से। तो ये एल और अगर इसकी पावर वन, इसकी पावर वन, तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ठीक है। जैसे दूसरा हमने फॉर्मूला ले लिया, जैसे मान लो आयतन यानी वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम कितना होता है हमारे पास में, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू लेंथ ब्रेथ और हाइट, कैसे करेंगे, देखिए लेंथ कितनी हमारे पास में, उसको भी एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेथ को भी एल से ही मीजर करते हैं, और हाइट को भी लेंथ से ही मीजर करते हैं। तो ये एल की पावर थी लिखे कि तीन नंबर बनना है, एक साथ लाइन तीन नंबर बन जाएंगे हमारे पास, जो हमारा स्टाफ का डायमेंशनल फॉर्म हो गया। तो तीसरी में तीसरी में हम कैसे ले लेते हैं वेलोसिटी, ठीक है, तीसरी हैं वेलोसिटी या स्पीड लेवल, स्पीड के बराबर कितना होगा, स्पीड का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, स्पीड ज़्यादा होना डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस यानी डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस भी एक तरीके की क्या हमारे पास में, या मैं देखो लिखा है डिस्टेंस की एज मीटर करेंगे, और नीचे टाइम टी से। अब देखो यहाँ पर टी की और बना है, जब हमें वन को तो शो नहीं करते हैं, तो माइनस वन आ शो करेंगे, अब एल को टी को पर एग्जाम्पल लिखना होगा, इसकी इसकी जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा एल टी माइनस का एल टी माइनस का वन, ठीक है, वो सब नोट कर लिए। जैसे कि मान लो वेलोसिटी, ठीक है, तो वेलोसिटी की जो हमारी वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, देखो अपॉन में टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हम किस में मीजर करते हैं, लेंथ में, यानी स्पीड, स्पीड जो कौन सी दो यूनिट्स हैं जिनका फॉर्मूला सेम होता है, इसकी डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, स्पीड और डायरेक्शन, दोनों का क्या है एल टी माइनस वन एल टी माइनस वन, ठीक है दोस्तों, आप नोट करें, इसको देख लीजिए आगे होते हैं।
ठीक है दोस्तों, ऐसे अभी तक हमने बाहर सीख लिया वेलोसिटी तक हम निकाल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैक्स फिजिकल क्वांटिटी आपके पास में एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है, यानी इसका एक जन एक जो है ना, इसको इसका जो फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि वी टू माइनस का वी वन अपॉन में टी, यानी डेल्टा वी अपॉन टी, यानी कि वी की वेलोसिटी हमने निकाली, वी का हमने अभी डाइवर्जर फॉर्म में क्या निकाला था, एल टी माइनस का वन, ठीक है, और टाइम का यानी टाइम का भी कितना होगा टी का पावर वन। अब जब टाइम को ऊपर लेते जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये यानी टी की पावर माइनस वन एल की पावर माइनस वन, तो ये इसका जो फॉर्मूला आंसर था एल टी की पावर माइनस का, ठीक है दोस्तों। ऐसे फिर से आगे बढ़ते हैं, हमारा लीनियर मोमेंटम, इसे नेक्स्ट हमारा हो गया लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम को जैसे मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम क्या है, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला पी इंटू एम टी, पी इंटू एम टी, हमने क्लास नाइन में पढ़ा है इसका फॉर्मूला, ठीक है, क्लास नाइन में इसका फॉर्मूला पढ़ा है लीनियर मोमेंटम का। तो यानी कि एम टी, एम टी जो टाइम ऑफ एम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मास इसको एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और वेलोसिटी का भी आप निकाल देखा कितना एल टी माइनस का वन, और उसको जोड़ते रख देते हैं एड करके एम एल टी माइनस का वन, यानी लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला कितना हो गया आपका, लीनियर मोमेंटम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया वो आपका हो गया एल टी माइनस का एम एल टी माइनस का। तीसरा मान लो, जैसे मान लो फोर्स के निकालो, फोर्स के मैंने उसको निकाली निकाली है, और नेक्स्ट जो भी नेक्स्ट है कभी भी फोर्स, तो फोर्स का हम निकालते हैं, फोर्स बराबर होता हमारा एम इंटू यानी एम, ठीक है, एम को किस तरीके करते हैं एम से, और एक्सेलरेशन की हमने निकाली थी एल टी माइनस का ऊपर ही निकाली है, इसको ऐड करके लिखना था कितना होता है एम एल टी माइनस का, ठीक है दोस्तों, फटाफट उतारेंगे इसको। तो दोस्तों देखो, अभी तक हमने फोर्स की यूनिट निकाली, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फोर्स के बाद में जैसे मान लो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, जैसे मान लो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी कि यही चीज, तो क्या होता है मतलब लीनियर मोमेंटम हमने पढ़ा भी था, जैसे कि मान लो दो वस्तुएं हैं, ठीक है, इसका वेट हमने एम इसका मान लिया, इसका इनिशियल जो स्पीड हो गई वी आई और फाइनल वी एफ, ठीक है, तो यदि इसका रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो पी इज़ इक्वल टू में फॉलो होता है एम टू वी, अब आगे क्या होगा एम तो सेम रहेगा, तो वी आई माइनस का वी एफ मतलब कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस, और इसमें रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो डेल्टा टी से इसको भाग हो जाएगी, ठीक है, फिर आपका फॉर्मूला बन गया एंगल, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, इसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी ए हो गया, ठीक है। तो इसका अगर हम निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का, अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो एम की हमारी जो यूनिट सभी कितनी होगी, एम की एम हो जाएगी, ठीक है, और एक्सेलरेशन कितनी होगी एल टी माइनस का, ये लगा आपके पास में एम एल टी माइनस का, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला अगले क्वेश्चन आ गया, तो आप देख रहे हो गया कि फोर्स का और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम इसमें आ गया है, ठीक है। इसी प्रकार से हम फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए इम्पल्स, इम्पल्स इसका जो होता फॉर्मूला फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम, तो वो फोर्स का, अब देखो जैसे जैसे हम ये डायमेंशन फॉर्मूला बनाते चले जाएंगे वैसे वैसे हम इसको याद भी रखना, ठीक है, तो जैसे फोर्स का कितना हो गया एम एल टी माइनस का टू एम एल टी माइनस का टू, ठीक है, और टाइम कितना होगा टी, टाइम कितना हो गया टी, अब ये माइनस की पावर वन है माइनस का टू है प्लस का वन है, एम की एम एल टी माइनस का टू और प्लस का वन, तो दूसरी पावर वन मान जाएगी, तो कितना हो गया आपके पास में एम एल टी माइनस का, फिर आपका फॉर्मूला कितना हो गया एम एल टी माइनस का, ठीक है, आप कितना नोट, देखो मैं अभी नोट कर लिया तो उसको कर ले रहा हूँ उसका पढ़ लेता हूँ इसको, ठीक है दोस्तों। जैसे मान
लीजिए अभी जिसमें बर्क ही निकाल दो, ठीक है सर बर्क ही निकाल लीजिए, सर निकाल लीजिए बर्क ही, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं बर्क की। तो डब्ल्यू बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा है बर्क, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा भी, फोर्स की हमने निकाली क्या बताई थी, फोर्स की हमने बताई थी एम एल टी माइनस का टू, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस यानी एल होगा, यानी यहाँ पर वन और यहाँ पर भी वन। तो क्या करेंगे एम सेम एल डी है और ये सेम एल डी है, तो एल के वन और प्लस इसके यहाँ पर वन टी माइनस का टू, तो ये आपका हो जाएगा एम एल टू टी माइनस का टू, ठीक है दोस्तों। इसको नोट करिए दोस्तों स्टूडेंट्स, ऐसे ही और भी बहुत सारे यूनिट है, जैसे कि मान लीजिए टॉर्क, जैसे हमने मान लीजिए टॉर्क जिसको हिंदी में बोलते हैं बल आघूर्ण, तो टॉर्क हो गया टॉर्क, जैसे हम टॉर्क निकालेंगे, जैसे टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास में फोर्स इंटू, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है भाई। डिस्टेंस तो कोई सी भी हो, मैं सर टाइम लेंथ में ले रहा हूँ, फोर का फॉर्मूला था फोर्स का, मीनों कई बार लिख चुके हैं एम एल टी माइनस का टू, और परपेंडिकुलरेशन यानी कि एल होगा। अब देखो उसको एल या वन यहाँ भी वन, तो एम एल वन प्लस वन टी माइनस का टू, ठीक है। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला, एम डायमेंशन फॉर्मूला कितना रहेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस का टू। अब देखो वर्क और टॉर्क दोनों की जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो सेम आ गया, वर्क और टॉर्क दोनों का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो सेम आ गया। देखो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से, जैसे कि हम निकालेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला पावर, पावर पावर क्या होता है, ठीक है कि पावर क्या होता है, पावर जैसे पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में यानी वर्क डन अपॉन में टाइम, यानी पावर होता है पी अपॉन में टी यानी पावर वर्क, डब्ल्यू अपॉन टी पावर आउट होता है डब्ल्यू अपॉन में टी वर्क डन अपॉन में टाइम, तो वर्क अपॉन में टी। अभी वर्क की यूनिट हमने क्या निकाली पीछे एम एल टी एम एल स्क्वायर टी माइनस का टू, यानी कि एम एल स्क्वायर टी माइनस का टू और अपॉन में इसकी यूनिट कितनी होगी टी, ठीक है। तो ये वन ऊपर ऊपर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस का टू और माइनस का वन, तो आपका हो गया ये एम एल स्क्वायर टी माइनस का थ्री, यानी जो पावर की जो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा वो एम एल स्क्वायर टी माइनस का थ्री आ जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जैसे ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ठीक है ग्रेविटेशनल पर ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ठीक है यानी कि कैपिटल जी। तो ये कैपिटल जी किस माता, हमें ऐसा तो उसका कुछ नहीं पता, हमें फॉर्मूला पता इसका एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू और अपॉन में आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से किसकी जी की वैल्यू निकालूँ कितना होगा एफ इंटू आर स्क्वायर और अपॉन में एम वन इंटू एम टू, ठीक है। तो देखो जी एफ है यहाँ पर, एफ की यूनिट कितनी होती है एम एल टी माइनस का टू, ठीक है। आर यानी कि किससे मिले करेंगे एल इसको एल स्क्वायर से, यानी कि रेडियस होगी यानी वो भी हमारी लेंथ भी नापी जाएगी, ठीक है। और जो एम यानी कि एम ही होगा, ये एम जो वाले मगर एम स्क्वायर हो गया, यानी जी की हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाला है। तो अब देखिए एम तो एल कितना है यहाँ वन या टू है ना, टी माइनस का टू और एम माइनस का टू यहाँ वन है इसकी एम की पावर, तो इसको देखो फिर होगा एम वन माइनस का टू डॉट एल थ्री हो जाएगा और टी माइनस का टू हो जाएगा। तो इसका जो आ जाएगा आपका एम माइनस का वन एल थ्री और टी माइनस का टू। तो ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट की जो बीमा होती है वो कितनी होती है, यानी कि जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है कितना होता है एम की पावर माइनस वन है ना, एम की पावर कितनी माइनस वन, एल की पावर थ्री और टी की थ्री की पावर और टी की पावर माइनस का। तो एक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है इंपॉर्टेंट बीमा इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप निकालते हैं ऐसे ही गैस कांस्टेंट है ना, इसके निकालते हैं। अभी इसको रफ कर देता हूँ मैं, वो बड़ा है थोड़ा सा, है ना। अभी अगले अगले अभी रफ करके तो आपको बताता हूँ।
ठीक है, अब ये हमारा गैस कॉन्स्टेंट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ठीक है, पहले पता लगा लेंगे पी क्या है यहाँ पर। देखो पी जो है हमारा वो प्रेशर है, ठीक है प्रेशर। वी क्या हमारा वॉल्यूम है, वी क्या हमारा वॉल्यूम है, ठीक है। आर हमारा क्या है, वो हमारा गैस कॉन्स्टेंट है जिसकी हम अभी वहाँ चाहेंगे। और टी क्या हमारा टेम्परेचर, टी क्या हमारा टेम्परेचर है, ठीक है। एन जो था नंबर को शो करता है, ये कि ये कांस्टेंट है, इसकी बीमा कोई होती, इसकी जो डायमेंशन फार्मूला से भी सर रिप्रेजेंट नहीं करते। तो अगर मैं ऐसे आर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आर आर कितना हो गया पी वी अपॉन में, तो उसके लिए प्रेशर भी पता होना चाहिए। तो प्रेशर का पहले निकालते हैं, तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है प्रेशर का फोर्स अपॉन में एरिया, पी का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स अपॉन में एरिया होता है। तो फोर्स कितना हो गया हमारा वही एम एल टी माइनस का टू, और एरिया कितना होगा एल स्क्वायर, ठीक है। और एल को ऊपर लेंगे दो पावर है, एक पावर के ऊपर माइनस में जाएगी, एम एल वन माइनस का टू टी माइनस का टू, तो कितना हो गया आपका एम एल माइनस का वन और टी माइनस का टू, ठीक है। तो जो हमारे प्रेशर की जो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया वो तो कितना हो गया एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस का टू। अब इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। पीछे जो बीमारी कितनी आई, जो इन डायमेंशन फॉर्मूला कितना आया एम एल माइनस वन टी माइनस का टू, वॉल्यूम वॉल्यूम कितना होगा एल की पावर थ्री होगी, यानी लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। और ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर के यहाँ टाइम नहीं है, ठीक है का टेम्परेचर थीटा बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे एम एल थ्री की माइनस का टू, यानी कि एल माइनस का वन प्लस का थ्री हो जाएगा, टी माइनस का टू थीटा बता रहा थीटा का माइनस का माइनस का वन हो जाएगा, तो इसकी बीमा हो जाएगी, यानी कि उसका डायमेंशन फॉर्म लगा एम एल स्क्वायर टी माइनस का टू और थीटा माइनस का वन, ठीक है दोस्तों। दोस्तों बराबर को जो भी स्टूडेंट देख रहा है, ठीक है, तो हो गया। अब इसके बाद में हम करेंगे प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट पी एल ए एन के प्लैंक कांस्टेंट। देखो जी ये जो आ रहे हैं फॉर्मूला आपके सामने, तब सोच रहे हो आप लोग कहाँ से आ रहे होंगे, ठीक है। तो आपके सामने ये फॉर्मूला कैसे आ रहे होंगे, तो ये जब आप जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते चले जाओगे, फिजिक्स जैसे स्टार्ट करोगे, भी तो ये फर्स्ट चैप्टर है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे ही क्या कहते हैं ये आपके सामने फॉर्मूला आते चले जाएंगे, ठीक है। तो प्लैंक जो कॉन्स्टेंट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच पे, तो फॉर्मूला होता है इसका एच ई बराबर ई बराबर एच नहीं, क्योंकि ई जो होता है हमारे पास में ई जो होता है वो एनर्जी होती है, प्लैंक कांस्टेंट एच होता है एनर्जी है, एनर्जी करके से वर्क की जो वर्क यूनिट हो वर्क की डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही एनर्जी का होगा, एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। ये तो प्लैंक कांस्टेंट होगा, जब वी हो गया वो हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अच्छा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट में पढ़ा था एन बराबर जो पढ़ा था वन अपॉन टी, तो जब टी की तो टी होगी तो फिर की जो बीमा होगी वो टी की पावर माइनस वन हो जाएगी, इसको जब ऊपर लाएंगे तो टी की पावर ये माइनस वन हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो जैसे इसका निकालेंगे एच बराबर ई अपॉन में न्यू, ठीक है। तो ई की होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस का टू, जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है। और इसका इसका भी हमने निकाला, इसको ये वही बोलते हैं, ये होगा टी की पावर माइनस का वन, ठीक है। इसको भी हमें एम एल स्क्वायर टी माइनस का टू, और इसको ऊपर ले जाएंगे प्लस का पूछ रहेगा ये आपका हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस का वन, ठीक है दोस्तों। अब ये ऐसे ही और जैसे निकाल सकते हैं, और जैसे जैसे फॉर्मूले हम पढ़ते चलाएंगे, जैसे मान लो चार्ज की बात करें, यहाँ पे चार्ज इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला पढ़ा था हमने आई बराबर क्यू अपॉन टी, है ना, आई बराबर क्यू अपॉन में टी। तो यहाँ पे क्यू का अगर निकालूँ तो क्यू बराबर कितना हो गया आई टी, आई का कितना रिप्रेजेंट करंट हो गया ना एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट में लिखा था शुरू में, और टी का टाइम। तो इसकी जो हो गई वो ए टी हो गई, ठीक है दोस्तों, इसकी जो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया वो ए टी हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, मैं ऐसे ही इसका पार्ट टू भी बनाऊंगा, और ऐसे ही आगे
हम फिजिक्स कंटिन्यू करेंगे और मैं और क्लासेस की वीडियो डालने वाला हूँ, जैसे क्लास 9 की एनसीईआरटी का सॉल्यूशन पूरा सीरीज एकदम से कराऊंगा आप लोगों को। भी आपके छोटे बहन भाई जो आपके रिलेटिव हों उनको बताइएगा मेरे चैनल के बारे में, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ऐसी फिजिक्स का पार्ट बन रहा है, ऐसी नेक्स्ट वीडियो में उसकी पार्ट टू में और आगे के फार्मूलास के बारे में बताऊंगा, और फर्स्ट चैप्टर में सेकंड चैप्टर है इसका वैसे तो ये, और क्या क्या है इसके अंदर तो आपको बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।